Comedian Sidharth Sagar, popularly known as Mausi on Kapil Sharma's show who was missing for last few months, said that was not only was he physically and mentally harassed but was also being drugged by his parents. The comedian had called a press conference and revealed as to what all he went through in the past few months. The comedian revealed that he never wanted to speak against his family. उस टाइम मुझको ये फील होने लगा मैं बहुत लो हो रहा हूँ, मतलब बॉडी में एनर्जी कम लग रही है. मैं मोटा हो रहा था, बहुत मोटा हो गया था मौसी का रोल जब मैं कर रहा था. मुझे मेडिकेशंस पर डाल दिया था, मुझे बिना बताए बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी गई जिसमें मैं सेडेट रहता था. उसको ख़त्म करने के लिए मैं कॉफ़ी शॉट्स पीता था. सेट पे जाने से पहले मैं कॉफ़ी शॉट्स पी रहा हूँ उसका असर कम करने के लिए. और मैं इतना स्लर होने लगा था मेरा स्पीच, जिसके दौरान मैंने डिप्रेशन, बहुत अजीब सा फेज़ आया डिप्रेशन का. वो गोलियां जैसे ही नहीं लूँ तो मुझे डिप्रेशन महसूस होता था. मैं डिप्रेशन फील करने लगा. फिर मेरे पेरेंट्स को एक दिन मैंने बोला मुझको बहुत लो फील हो रहा है और मुझे अजीब अजीब लगता है. तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की गोलियाँ देते हैं. और जब उन्होंने बोला कि आपको बाइपोलर की गोली देते हैं तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं था कि मुझे बिना पता चले. क्योंकि मैं रात को घर में सो रहा हूँ और फादर मेरे जूस का ग्लास ला रहे हैं, 3 बजे रात को छुट्टी से लौटा हूँ, खाना आ रहा है और मुझे उस दवा मिला के खाने में दे रहे हैं. Sidharth also said that he very close to his mother and she was his best friend until she met a man. मेरे फादर और मेरी मदर कम से कम 20 साल से साथ नहीं रहते हैं वो लोग आपस में, उनके रिलेशंस नहीं है ठीक. और मैं कभी भी नहीं चाहता था ये बात मैं सामने लाऊं, जब तक मैं परेशानी की कि ऐसी स्थिति में नहीं चला गया जहाँ मैं जब मुझे मैं चाह के भी काम नहीं करना चाहता पर मुझे करना पड़ा. मेरी मदर जो है वो सिंगल, बींग अ सिंगल पेरेंट मैं सोचता था कि मेरी मदर को मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा. मेरी मदर के अलावा मेरे सबसे अच्छा दोस्त मेरी मदर थी. मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्यार किसी को किया ही नहीं और मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीज़ें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी. धीरे धीरे मेरी मदर से मुलाकात हुई तो मेरी मदर की किसी से मुलाकात होती थी, मैंने वो मेरी चॉइस थी. मैंने मेरी मदर को बोला कि अगर आपको अकेलापन महसूस होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो. मैं कहा आप रिलेशनशिप में जा सकते हो बिकॉज मैं एक बेटा हूँ और कुछ टाइम बाद शायद मेरी अपनी लाइफ होगी. मुझे लगता था कि आप अभी उनकी लाइफ होनी ज़रूरी है. उस आदमी का घर में आना भी मैंने एक्सेप्ट किया, वो आता था, बैठते थे, हम लोग बातें करते थे. मदर का पैसों को लेकर कुछ अजीब सा, और मेरी मदर को मुझे डिस्टर्ब लगने लगी थोड़े थोड़े टाइम के बाद. एक दिन मैंने पूछा मम्मी उसका, मैंने घर लिए थे कुछ, मैंने घर का बोला ये पेमेंट देनी है. बोलती पैसे तो आई नहीं. मैं कहाँ गए पैसे? तो बोली उल्टा तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे जब आज तक नहीं पूछा. मैं कहा मम्मी बहुत बड़ा अमाउंट देना है मुझको, ये अमाउंट गया कहाँ? तो पता चलता है कि तुमने जो प्लॉट लिया था दिल्ली में, हाँ. मैं कहा वो 80 लाख रुपए, तो पता चला वो प्लॉट के दिए कुछ 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपए वो दिए और वो आदमी गायब हो गया. अब वो छोड़ के कहीं और चला गया, वो पैसे गायब हैं. से मेरी बातचीत हुई तो मैंने मेरी मदर को बोला कि उस आदमी को भी मैंने घर में बोला कि देखो मेरी मदर अकेली हैं, वो परेशान है. आप अगर मेरी मदर को 1.5 साल से जानते हो तो प्लीज़ मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है, उनको प्लीज़ इतना कुछ गलत मत करना आप. अब एक मैं कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ मेरी मदर के लिए भी. अब ये आदमी आया, इसने आके मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया. उस घर से निकाला जिस घर में मैं रहता हूँ, उसका घर बिक गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है. मैं कह रहा हूँ मम्मी क्या हो रहा है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चालू है. मैं कहा मेरी यही प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या चालू है और सारे पैसे गायब हो रहे हैं.
मदर मुझे कुछ बता रही है, हो कुछ और रहा है, फादर मुझे कुछ बताते हैं, होता कुछ और है। मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया, ना मेरी मदर मेरे साथ है। Siddharth also confesses that he was so much disturbed that he got addicted to certain substances. उस दौरान मेरे मैं इतना अकेला हुआ कि मैंने सब्सटेंस यूज़ करना शुरू किया। सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था और वो जो सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था वो मैं एडिक्टिव हो गया उस चीज़ को लेके। मैं इतना अकेलापन था कि मेरे लिए उसको भी छोड़ना मुश्किल। उस दौरान मैंने सब्सटेंस यूज़ किया और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। और मैं घर गया एक दिन, मैंने अपनी मदर को जाके दिखाया कि मैं ये सब्सटेंस यूज़ करता हूँ और मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। तो मेरी मदर देख के मुझे रोने लगी, बोली तो तुमको क्या क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हार गया हूँ अपने इस दिमाग से, परेशान हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा। मैं गया, मेरा वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया, 3-4 दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मैंने कहा मुझे मेरी मदर से सिर्फ बात करनी है, बात करनी। उन लोगों ने मुझको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मेरा सर दीवार में मार दिया, मुझे 4-4 लोग एक साथ मार रहे हैं।